मुरैना जिले के जोरा विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण के नेतृत्व में कैलारस में अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पमाला पहनाकर शुभारंभ किया गया, जो पहाड़गढ़ रोड होते हुए निरारा गांव में अनेक गांवों से होकर पहाड़गढ़ पहुंचे, जिसमें कांग्रेस के विधानसभा प्रभारी अविनाश भार्गव, धर्मेंद्र चौहान सीहोर, जितेंद्र बहादुर सिंह प्रभारी एवं राकेश यादव पूर्व जिलाध्यक्ष, राम अवतार शर्मा पूर्व जिलाध्यक्ष, सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक बेजनाथ कुशवाहा, जोरा अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, वीरेंद्र धाकड़, बंटी यादव और भी अन्य कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश बचाओ कांग्रेस लाओ जन जागरण करने के लिए जोरा विधानसभा में 40 दिन भ्रमण करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण करके शुरू किए। आज बड़ा स्वतंत्रता दिवस का दिन है और इस दिन इसलिए कि एक जिस तरीके से प्रजातंत्र को मध्य प्रदेश में कुचला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वोटों का जनता का अधिकार नेताओं ने अपने जेब में रख लिया है। 35-35 करोड़ रुपये में विधायक खरीद के सरकार बनी, ये जनता का अधिकार था कि किसकी सरकार रहेगी, कौन मुख्यमंत्री रहेगा। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में विकासोन्मुखी कार्य कर रहे थे, किसानों के कर्ज माफी के काम कर रहे थे, बिजली बिल को लेकर काम कर रहे थे, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के लिए काम कर रहे थे, वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ऐसी अनेकों योजनाओं पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में काम चल रहा था उसको धनबल के आधार पर सरकार कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिराज सिंधिया के साथ मिलकर किया है। ये कुठाराघात है जनता के हितों पर। इस संकल्प से निकली गई यात्रा है कि जनता का विश्वास प्रजातंत्र में वापिस हो, ये अधिकार जनता। मुरैना से गौरव कौर की रिपोर्ट।